हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कोई वास्तु का उपाय बताते हैं जिससे आप अपने घर के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं। दूसरा छोटा मोटा टोना टोटका उपाय होता है, जैसे काम धंधे में कोई बाधा आ रही है, धन रुक नहीं रहा आपके घर में, तो इनके छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हम आपको बताते हैं अपनी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप छोटा सा उपाय करके नए साल को और अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं, और भी खुशियों से भरा बना सकते हैं, और आपका निर्णय होकर आप बेहतर रात दोगुनी और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, एक छोटा सा उपाय। दोस्तों, हर रोज़ सुबह आप नित्य कार्य करके उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, उसके बाद अगर आप पूजा पाठ कभी भी नहीं करते तो सिर्फ अपने घर में कहीं भी एक घी का दिया अवश्य जलाएं, घी का दिया अवश्य जलाएं, और उसके साथ ही खाना खाने से पहले, अपना नाश्ता करने से पहले दो रोटी अवश्य निकालें। दो रोटी मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, पहली रोटी आप गाय को दे दें, क्योंकि आप जानते हैं गाय के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, और यदि आप गाय माता को हर रोज़ एक रोटी दान करते हैं, एक रोटी खिलाते हैं, तो इसे सभी देवता खुश होते हैं और आपको आपकी मनचाहा आशीर्वाद देते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में और भी बेहतर कार्य कर सकें और भी आगे बढ़ सकें। दूसरी रोटी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, दूसरी रोटी आपको कुत्ते को डालनी है, क्योंकि कह देते हैं कि अगर आप इंसान हर रोज़ एक रोटी कुत्ते को खिलाता है तो उसके दुश्मन उससे हमेशा दूर रहते हैं, उस पर लगने वाली बुरी नज़र हमेशा उससे दूर रहती है, कोई भी बुरी नज़र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। उसके दुश्मन शॉर्ट में कहें तो उसके दुश्मन हमेशा उससे दूर रहते हैं। तो पहली रोटी आप गाय के लिए अवश्य निकालें सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरी रोटी आप कुत्ते को अवश्य डालें, ताकि आपके दुश्मन आपसे दूर रह सके, आपके काम धंधे में कोई भी किसी प्रकार की बाधा न आ सके। तो एक तरफ से यह भी दोनों रोटियां आपके सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेंगे। तो एक छोटा सा उपाय हमने आज आपको बताया है कि किस प्रकार आप अपने लिए बेहतर भविष्य चुनने के लिए सिर्फ एक रोटी का उपाय भी कर सकते हैं। तो और भी लोगों तक यह पहुँचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें। धन्यवाद।